अस्पताल में मरीज दर्द की दवा लेने जाते हैं, लेकिन जब अस्पताल ही बीमार हो तो फिर वहां दवा नहीं इनाम में बीमारियां मिलती हैं। जालौर के सांचौर में निजी अस्पताल अपनी लापरवाही से बीमारियां इस वक्त बांट रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुविधाओं और व्यवस्थाओं के नाम पर अभी तक आपने सरकारी अस्पतालों के नाम सुने होंगे कि सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं के नाम पर गंदगी होती है, लेकिन निजी अस्पतालों की हालत देखकर आप सन्न रह जाएंगे। जी हाँ, जालौर के सांचौर में निजी अस्पताल खुद बीमार पड़े हैं। अब भला इन बीमार अस्पतालों से बीमारी दूर करने की उम्मीद रखना बेईमानी होगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह चारों तरफ कूड़ा पड़ा हुआ है, खुले में बायो वेस्ट पड़े हैं। जी मीडिया की पड़ताल में सामने आया कि सांचौर में तकरीबन एक दर्जन से ज्यादा निजी अस्पतालों का बायो वेस्ट सड़कों पर लगे कचरे के डिब्बों में डाला जा रहा है, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा मंडरा रहा है। बाहर जो नगर पालिका के जो कूड़े कचरा दान है उनमें डाल दिया जाता है, तो इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है, क्योंकि इससे क्या होता है कि संक्रमण की बीमारियां फैलती है। प्रॉपर अस्पताल में इन चीज़ों का डिस्पोजल होना चाहिए, उनको या तो डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए या उनको जला के और नष्ट कर देना चाहिए। भारत में अनुमानित प्रति बेड प्रति अस्पताल में 1 से 2 किलोग्राम और हर क्लिनिक पर 600 ग्राम प्रतिदिन मेडिकल वेस्ट मेडिकल कूड़ा पाया जाता है, और इस तरह से अगर 100 बेड का अस्पताल है तो यहाँ से हर दिन 100 से 200 किलो मेडिकल वेस्ट मेडिकल कचरा उत्पन्न होता है। ऐसा अनुमानित है कि इसमें से करीब 5 से 10% मेडिकल वेस्ट घातक और संक्रामक होता है। कई प्रकार के कोई डस्टबिन लगे हुए नहीं है, जिसके कारण कभी सिरन, कभी घोज, कभी बच्चे के सैनिटरी, वो डिलीवरी औरतों के सैनिटरी पेड, बच्चे को दे जाके कुत्ते करते हैं, इससे बीमारी को खतरा बढ़ जाता है। भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन एवं उपयोग 1988 के आधार पर ये निर्देश दिए हैं कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट निष्कासन करने वाले प्रत्येक संस्थानों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि निष्कासित एवं उत्सर्जित जैव चिकित्सा अपशिष्ट का उपयोग सकारात्मक ढंग से किया जाए, इनके संचयन और स्थानांतरण पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इनको डीप बुरियल पुट के अंदर डालें, जो भी जो प्लेसेंटा है, मानव ऑर्गन अंग है, जो हॉस्पिटल के अंदर डीप बुरियल पुट बने हैं, उसमें इसमें सेग्रीगेशन करके डाला जाए। बायोमेडिकल वेस्ट यानी जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के मानव रक्त, कटे अंग, दवाइयाँ, मानव टिश्यू, मलमूत्र, अपृष्ठवंशीय परजीवी, सूक्ष्म जैनिक स्राव, कफ, डिस्पोजल सुई, खराब इंजेक्शन, दस्ताने, ग्लूकोज की बोतलें शामिल हैं। इसमें हानिकारक रसायन भी शामिल होते हैं। कचरा बीनने वाले इनमें से अपने काम की वस्तुएं टटोलते हुए देखे जा सकते हैं। वहीं कबाड़ियों के यहाँ पर भी ग्लूकोज की बोतलें सिरिंज बिकते हुए नजर आती हैं। ऐसे में निजी अस्पतालों पर अगर कार्रवाई नहीं की गई तो बीमारियों का खतरा मंडराता रहेगा, और वो दिन दूर नहीं जब निजी अस्पतालों की लापरवाही से शहर ही बीमार हो जाएगा। बबलू मीणा, जी मीडिया, जालौर।